देख सकते हैं दोस्तों मेरा किचन का लुक मैंने बिल्कुल सजा दिया है आज, बिल्कुल सफाई करके देख सकते हैं। ये पेपर ऊपर बिछा दिया है, ये रिफाइन ऑयल है, ये सरसों ऑयल मैंने बोतल में भर दिया है। देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का पूनम फैमिली ब्लॉग में। आशा करते सब अच्छे होंगे। आप सभी को गुड मॉर्निंग। अभी सुबह हो रहा है, देखिए सुबह के चाय मैंने रख दिया बनने के लिए। अभी सब के सब सोए हैं, कोई नहीं जगा है। इधर सब्जी में दिखे मैंने आज बनाने जा रही, चने आलू सोयाबीन की सब्जी। मैंने चना भिगा दिया था रात को, ये देख सकते हैं। अभी चाय उबलना शुरू हो चुका है, देखिए देखिए इधर चाय बन चुका है। मैंने सबके लिए निकाल दिया है, अब दे दूँ रागनी के पापा को। चाय ले लो, दे हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। और आज ये चाय पीने सुबह के 7 बज रहे हैं, देख लीजिए, चाय पी लीजिए आप लोग। मेरी बेटी सो रही है, हम भी सो ही रहे थे गाइस। 4 बजे तक इनका एडिटिंग करते करते अब यहाँ के भी नहीं खुल रहे हैं के चक्कर में, अभी भी नींद लग रहा है, देख सकते हैं गाइस, आँख खुल नहीं रहा है। अभी इधर चाय और उधर रागिनी, देखिए उधर नंदिनी भी अभी सो ही रही है। चलिए अब चाय पी के मिलते हैं आप लोगों से। इधर देखिए अमन भी उठ चुका है चाय पीने के लिए। हाय बोलो अमन। हाय। देखिए मैंने तैयारी कर लिया है, उबला हुआ आलू है, चना, सोयाबीन, प्याज काट लिया है, लहसुन छील लिया है। फिर मैंने रख दिया है कढ़ाई बनने के लिए, देख सकते हैं। अब इसमें सोयाबीन भूजूंगी, उसके लिए मैं तेल डाल दूं। देखिए मैंने इधर सोयाबीन भूज लिया है तेल में, और इधर चना को, क्योंकि आलू उबला हुआ है, चना थोड़ा आधा पूरा फ्राई हो जाएगा, उसके बाद डालेंगे इसमें आलू। आलू छील लो, आलू सुबह का जल्दी रहता है, इसी मेरे तो वीडियो नहीं सूख तो खत्म पाता है। अभी बना लूँ, रागिनी के पापा के जाना है ड्यूटी, इसीलिए अभी तैयारी करूँ लंच का उनके देने के लिए, फिर आप लोगों से मिलती हूँ लंच बना के। आनंदनी उठ चुकी है, रागिनी के पापा देखिए वो भी निकल रहे हैं, उनका मैंने लंच पैक कर दिया है। ये लीजिए अपना लंच, देखिए अपने बैग में डाल लिए। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं डिप्टी के लिए, लेट हो गया हूँ काफी, आधे घंटा लेट हो गया हूँ, शाम को आप लोगों से फिर मिलता हूँ, ठीक है गाइस, चलते हैं, बाय बाय। इधर देखिए नंदिनी, बाय बाय नंदिनी। रागिनी हेलो बोलो। देख सकते हैं आप, मुझे रोज का ये मिलता है 100 रुपए भगवान के, देख सकते हैं। सकते हैं इधर बारिश के मौसम जैसा हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम है आज। इधर रागिनी नंदिनी बाय कर रहे हैं पापा से। देखिए इधर नंदिनी दोनों बहन, बाय करो नंदिनी, बाय। देखिए इधर आके कबूतर बैठ चुका है, देखिए देखिए क्या मौसम है आज का। देखिए बन चुका है खाना, और नंदिनी आज झाड़ू लगा रही है, अब मैं अभी बैठी हूँ। देखो तो मेरी रागिनी भी लेटी है, बाकी के काम आज करना है, डब्बे पूरे चिपचिपा हो रहे हैं, उनको सफाई करने जा रही हूँ धोने। चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को, इधर देख लिए रागिनी, हाय बोलो। देखिए रागिनी गुड़िया के कपड़े, अपना कपड़े उतार दिए और उसे नहलाने जा रही है। इधर देखिए अभी
रागिनी के पापा तो ड्यूटी चले गए हैं, अभी इधर खाना बना के ऐसे परा हुआ है, अभी साफ नहीं किया है मैंने। देख सकते हैं इधर आलू सोयाबीन के सब्जी चने के, इसमें बना है रोटी, और इन डब्बे को आज पूरा क्लीनिंग करना है, सफाई, चिपचिपा हो रहा है, चिपचिपा हो रहा है। इधर दिखा रही हूँ, इसमें भी करना है। देखिए बर्फ़ कितना जमा हुआ है फ्रीजर में, देख सकते हैं नंदनी, इसमें बर्फ़ जमाई है, दिखा देखिए कितना हो चुका है बर्फ़। बंद करना है फ्रिज को, देखिए। आ देखिए इधर मेरी नंदनी अपने मामा से गप्पे लड़ाई है, अपने मामा से, देखिए इधर झाड़ू लगा रही है, दोनों मामा भांजी। इधर देखिए इसके मामा लगा रहे हैं खाना खा के। इधर मैंने देखिए मैंने सारा बर्तन धोने वाले साबुन से जूने से मैंने सारा साफ कर लिया है। अब इसको पेपर के थोड़ा सोच रही हूँ आज कुछ अलग कर दे, कटिंग करके इस पे डाल देते हैं। देखिए मैं कटिंग कर रही हूँ, सोच रही हूँ थोड़ा सा अच्छा लगेगा, चिपचिपा हो ही जाता है इस पे, इतना तेल यहाँ पे पड़ता है कि। देखिए मैंने कुछ कटिंग कर लिया है पेपर इसे बिछाने के लिए ऐसे। इस पे पहले उस पे बिछा दूँ ऊपर में, देखिए मैंने बिछा दिया। अब ऐसे ही इस पे और उसको बिछाना है पेपर, पहले काट लूँ उसके बाद ले जाएंगे डब्बा बाहर। इधर देखिए मेरी रागिनी दुकान लगा रखी है बर्तन का, बर्तन बेच रही है ना बेटा, बोल दो गाइस बर्तन चाहिए, बोल दो गाइस से, गाइस से बोल दो गाइस बर्तन चाहिए आप लोगों को। बेड भी काट लेती हूँ, देखिए गाइस रागिनी मेरी बर्तन बेच रही है, ले सकते हैं आप लोग, बोल दो गाइस बर्तन लेना है आपको, बोल दो, नहीं बोलोगी। देख सकते हैं दोस्तों मेरा किचन का लुक मैंने बिल्कुल सजा दिया है आज, बिल्कुल सफाई करके। देख सकते हैं ये पेपर ऊपर बिछा दिया है, ये रिफाइन ऑयल है, ये सरसों ऑयल मैंने बोतल में भर दिया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। बस ये तो काम हो चुका है, इधर मैंने रागिनी को भी नहला दिया है, देख सकते हैं। अब मैं जा रही हूँ नहाने, फिर नहा हुआ के आप लोगों से मिलूंगी। देख सकते हैं हो चुका है शाम के टाइम, नंदनी कर रही है शाम का पूजा। आज नंदनी का मन कर रहा था शाम का पूजा करने के लिए, संध्या के टाइम है अभी। इधर मेरी रागिनी, देखिए इधर रागिनी भी आ गई है, रागिनी इधर देखो, इसमें छोटा सा प्लेट है गाइस। देखिए यही है मंदिर छोटा सा, चल लेते हैं खाना की तैयारी करने। अब रागिनी के पापा भी आएंगे, इधर के लड़की को सारा बर्तन लगा दिया है। हम दाल लाए थे, दाल को रखना है डब्बे में, मैंने डब्बा धो के रखा है। देखिए कल दाल लेके आए थे, डब्बा के धोना था इसलिए मैंने दाल नहीं रखा था, इसलिए दाल रख दी। दो किस्म की दाल है मिक्स,
रहे हैं मसूर की। देखिए इधर मैंने दाल चावल रख दिया बनने के लिए, अब इधर दाल मैंने रख दिया है डब्बे में, देख सकते हैं आज बिल्कुल अच्छा लग रहा है मेरा किचन बिल्कुल सफाई। देखिए बिल्कुल सफाई हो गया। देखिए अभी नंदिनी के इधर पढ़ाई हो रहा है, रागिनी दोनों बहन बैठ चुकी है। क्या है नंदिनी? नंदिनी देखिए मैंने नंदिनी के अभी चुटिया बनाया था शाम को। इधर रागिनी हाय बोलो। हाय। अमन भी आ रहा है पढ़ाई करने। पढ़ाई करोगे कि गेम खेलोगे? गेम नहीं, हाँ बन चुका है खाना। अब मैंने क्या ले रही हूँ, आज बनाए दाल चावल बीन्स आलू की भुजिया। देखिए रागिनी के पापा के पैर ठीक नहीं है, दुख रहा है पैर, वो लेट चुके हैं। देखिए रागिनी के पापा खाओगे अमन, कर दूँ खाना निकालूँ? हाँ। नंदिनी तुझे कितना नहीं? खा लो। देखिए निकल चुका है खाना। देखिए आज ही आप लोग भी हमारे साथ खाना खाने के लिए, हमारा खाना बन चुका है, लग चुका है दाल भात बीन्स आलू के भुजिया। देख सकते हैं गाइस आलू बीन्स के भुजिया है और दाल चावल है, जा रहे हैं खाने के लिए। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। रागिनी मेरी खा रही है, देखिए खाना खा के आप लोगों से फिर मिलते हैं। देखिए दोस्तों खाना वाना खा के मेरी रागिनी अब सोने के लिए तैयार हो चुकी है, इसको नींद ही नहीं लगता है। इधर देखिए मेरे बच्चे लोग के रात के बज चुका है 12 और इनका चल रहा है मोबाइल अभी। नंदू आ इसके पापा सो चुके हैं, देखिए रागिनी के पापा देखिए ये सो चुके हैं। आ इधर मेरी रागिनी बैठी हुई है, अब हम भी जा रहे हैं सोने के लिए। और इस वीडियो के हम यहीं पे एंड करते हैं। यदि जी हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। बाय बाय।